आप लोग के सामने मैं एक इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो है आज का पैंडेमिक डिजीज कोरोना वायरस इन्फेक्शन, आज जिसे COVID-19 के नाम से जाना जाता है। ये पैंडेमिक डिजीज जिसे हिंदी में महामारी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा किसी जमाने में कि पूरे मुल्क में हैजा फैल गया है या पूरे मुल्क में प्लेग फैल गया है। ये सब अपने आप में एक महामारी थे, उसी तरह से आज के टाइम की महामारी ये कोरोना वायरस डिजीज है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है ये कोरोना वायरस के बारे में। इसमें कुछ सही हैं और कुछ गलत। इस सही गलत के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे और बिजनेस पे काफी असर पड़ा है। लोगों में एक बहुत डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को लगने लगा है कि अगर उनको ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनका मरना पक्का है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे सिचुएशन में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने सही इन्फॉर्मेशन दूं और गलत बातों से आपको सावधान करूं। आइए समझते हैं इस वायरस के बारे में। जो सबसे पहला केस दुनिया के सामने आया वो वुहान शहर से, जो चाइना में पड़ता है। जब आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम कुछ लोग वहां पे गए हुए थे, कुछ लोग बिजनेस के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए और कुछ लोग घूमने के लिए। सेम टाइम पे जब वो वापस आए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, और इस तरह से पूरे दुनिया में ये इन्फेक्शन फैलता गया। सबसे पहला सवाल कि ये बीमारी फैलती कैसे है? आपको बता दूं, ये बीमारी क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है, सांस के जरिए। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ये वायरस हमारे नाक से होते हुए सीधे लंग्स में पहुंचता है। आप इस वायरस के स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें कुछ स्पाइक्स जैसे नुकीली चीजें हैं और साथ में हमारे लंग्स का फोटो देखिए, कितने ब्रांचेस बने हुए। ये वायरस सीधे नाक के रास्ते से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है और आसानी से चिपक जाता है। ये वहीं पर मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद से नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है। तो यहां पर साफ मतलब है कि जो ज्यादातर सिम्टम्स हमारे पास में आते हैं वो लंग्स से रिलेटेड होते हैं। और ये वायरस अगर आपके खाने के साथ पेट में जाए तो पेट में एसिड प्रोडक्शन होता है खाना पचाने के लिए, जिससे ये वायरस मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाने से ये वायरस नहीं फैलता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि क्या नॉनवेज खाने से भी ये वायरस फैलता है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं फैलता है। आउटब्रेक जब हुआ था वुहान से तो वहां पे एक सी फूड मार्केट है। अब वो सी फूड मार्केट में एक साथ काफी सारे लाइव एनिमल्स, जिंदा जानवर और फिश जैसे सी फूड मिलते हैं। रिसर्च के हिसाब से एक एनिमल वायरस और एक ह्यूमन वायरस मिलकर के म्यूटेशन हुआ और एक नया वायरस बन गया, तो इसलिए हम इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। अभी के टाइम पे ये पूरा का पूरा ह्यूमन वायरस है और सिर्फ इंसान से इंसान में फैलता है। इसलिए अगर आपको कोई ये कहे कि मटन खाने से या चिकन खाने से भी ये इन्फेक्शन फैलता है तो गलत बात है। हाँ, वो जनरल प्रिकॉशन है कि हम जो भी खाना बनाएं उसको बहुत अच्छे से पका करके खाएं। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? आप मान लो ये इन्फेक्शन मुझे हो चुका है और मुझे खांसी होना स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे खांसी करने के दो तरीके होंगे। एक तो मैंने हवा में खांसी किया और दूसरा मैंने अपने हाथों पर खांसी किया। दोनों कंडीशन में मैं ये इन्फेक्शन एक दूसरे को फैला सकता हूँ। अगर मैंने हवा में खांसी किया तो मेरे मुंह से वायरस निकला और वो 1 से 1.5 मीटर तक जाकर के नीचे चला जाएगा। उस बीच में अगर मेरे अगल बगल में कोई है तो उसके हाथ पे चिपक जाएगा वायरस या उसके मुंह पे लग जाएगा ये वायरस। अगर मैंने अपने हाथ पे खांसी किया और मैं अपने घर पे बैठा हूं, तो मैंने पानी पीने के लिए जग को टच किया, फ्रिज खोला या किसी भी सामान को टच किया, और अगर मैं बाहर जाने के लिए निकलता हूं तो मैंने लिफ्ट को टच किया या किसी भी चीज को मैंने टच किया, उस बीच में कोई दूसरा इंसान आकर के उसी सेम चीज को टच करता है, तो ये हमारी नॉर्मल आदत होती है कि हम लोग अपने हाथ को बार बार अपने मुंह पे लगाते हैं, नाक को टच करते हैं, आंख को भी टच करते हैं, तो इससे आसानी से ये इन्फेक्शन उस इंसान को भी हो जाएगा। नाक पे वायरस गया, नाक से होते हुए सीधे लंग्स में चला जाएगा। लोगों में ये भी कंफ्यूजन है, ये वायरस हवा में भी उड़ता है क्या? आपको बता दूं कि ये वायरस हवा में नहीं उड़ता है। आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने खांसी किया तो मेरे मुंह से वायरस निकल के 1 से 1.5 मीटर तक जाकर के नीचे चला जाता है, तो ये वायरस हवा में नहीं उड़ता है। अब किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, यानी कि मरीज के अंदर लक्षण क्या क्या होंगे इस बीमारी के? जो सबसे पहला लक्षण स्टार्ट होगा वो तो आम फ्लू जैसे सर्दी, जुकाम और गले में खराश, लेकिन इसके साथ में सूखी खांसी और बुखार भी होगा, मतली जैसा यानी कि उल्टी होने का मन भी होगा पेशेंट को, और धीरे धीरे ये सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ। साथ में उनकी हिस्ट्री भी देखिए कि पिछले 10 से 12 दिनों में वो किन किन जगहों पे गए हैं। ये अगर वो जगह पे गए जहां पे ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो फिर ज्यादा चांसेस है कि इनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर किसी को भी सर्दी, जुकाम और बुखार है तो सभी को ये इन्फेक्शन है। आप साथ में ये भी देखिए उनकी हिस्ट्री के 10 से 12 दिन में किन किन जगहों पे गए हैं। अगर ये उन जगहों पे गए जहां पे ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो हाँ, ऐसे केसेस में ये बीमारी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
80-85% केसेस में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। माइल्ड का मतलब कि ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं होंगे, हल्का सा सर्दी जुकाम और बुखार। लेकिन 10-15% केसेस में ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स आते हैं कि जब सांस लेने में तकलीफ होने लगे, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, जैसे सिम्टम्स लाइक अस्थमा और दमा जिसे कहते हैं इंग्लिश में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया हो जाए। अब तक बच्चों में ये बीमारी ज़्यादातर नहीं देखी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे 100% सेफ है। ज़्यादातर बड़े लोगों में इस बीमारी का असर देखा गया है। नौजवान और हेल्दी लोग इस वायरस को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिनका उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है, बूढ़े, ज़ईफ और जिनके साथ में कोई दूसरी बीमारी भी है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, उनके लिए यह वायरस को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। उम्र के साथ और बाकी बीमारियों के साथ इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारे शरीर की अपनी शक्ति होती है बीमारी से लड़ने की। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स आ जाए तो आगे आपको क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए और अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए। ये हेल्पलाइन नंबर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। हेल्थ अथॉरिटीज़ के लोग आपसे बात करेंगे और आपको सही मशवरा देंगे। ज़रूरत पड़ने पे आपके दिए हुए एड्रेस पे आएंगे और आपका जांच करेंगे। अगर उनको सारे सिम्टम्स इस वायरल इन्फेक्शन का लगेगा तो आपके गले से स्वैब कल्चर लेकर के टेस्ट के लिए जाएंगे। और ये टेस्ट अभी सिर्फ सरकारी लैब सेंटर्स पे ही हो पाएगा। फ़ोन नंबर के अलावा हर स्टेट में कुछ खास सरकारी हॉस्पिटल है जिसे इस वायरल इन्फेक्शन का स्पेशल सेंटर बनाया गया, आप वहाँ पर जाइए। आपका टेस्ट अगर के पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद में क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। 80-85% 80-85% लोगों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, हल्के सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स ज़रा सा है तो आपको एक स्पेशल वार्ड में आइसोलेट कर दिया जाएगा 2 हफ्ते के लिए, जहाँ पर आपका सिम्टोमेटिक इलाज चलेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ सांस लेने में तो उनको आईसीयू में रखा जाएगा, जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो कि सिर्फ 10-15% लोगों में हो रहा है। आपको जब मैंने 2 हफ्ते के आइसोलेशन के बारे में बोला तो आइसोलेशन को मैं अच्छे से समझा दूँ। आइसोलेट होने का नाम सुन के लोगों में एक डर सा बन गया है। उनको लगने लगा है कि 2 हफ्ते के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा या पूरी दुनिया से उनको अलग कर दिया जाएगा, और इस डर की वजह से वो ना तो किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और ना ही किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो सस्पेक्टेड मरीज थे कोरोना वायरस के, यानी जिनके अंदर ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे कि इनको शायद ये इन्फेक्शन हो सकता है, और डॉक्टर ने उन्हें एडमिट होने के लिए या आइसोलेट होने के लिए बोला और वो मरीज वहां से भाग गए। प्लीज़ ऐसा मत करिए। आइसोलेशन का मतलब है कि आपको एक खास रूम में 2 हफ्ते के लिए रखा जाएगा निगरानी में, दूसरे लोगों से कांटेक्ट नहीं होने दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे आपको उसका सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाएगा। ये वायरस का इन्फेक्शन ही क्लोज कांटेक्ट से होता है। आप अपने आप को आइसोलेट करके दो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल सही टाइम पर आपका इलाज स्टार्ट हो गया, दूसरा आपसे किसी और को ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। आपके 2 हफ्ते आइसोलेट रहने से सैकड़ों लोगों की हिफाजत होगी, आपकी अपनी फैमिली की हिफाजत होगी, और 2 हफ्ते के बाद आप अपनी आम जिंदगी सेहतमंद होकर के बिल्कुल नॉर्मली गुजार सकते हैं। इस बीमारी का इन्फेक्टिविटी रेट और डेथ रेट कितना है? आइसोलेट होने पर जब इतना फोकस किया जा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका हाई इन्फेक्टिविटी रेट, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलता है। सबसे पहला केस दुनिया के सामने दिसंबर 2019 में आया था, लेकिन आज 21 मार्च के सुबह तक पूरी दुनिया में 2,75,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इंडिया में 235 लोग का केस अब तक पॉजिटिव हो चुका है और सस्पेक्टेड केस और भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसका डेथ रेट 4% से भी कम है, यानी कि अगर 100 इंसान को इन्फेक्शन हो जाए तो डेथ सिर्फ 3 या 4 लोगों में हो रहा है, और वो 3-4 लोग जो इन्फेक्टेड है वो भी जो ज़्यादा बूढ़े ज़ईफ़ हैं या जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आपको अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपका इलाज कैसे होगा? अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो आपको होम आइसोलेशन के लिए मशवरा दिया जाएगा। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो आपको एक स्पेशल वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा, जहां पे आपको निगरानी में रखा जाएगा और सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाएगा। सिम्टोमेटिक इलाज का मतलब है कि आपको जो भी तकलीफ है वो तकलीफ को कम करने की दवा दी जाएगी। अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवा दी जाएगी, खांसी है तो खांसी की दवा दी जाएगी, या उल्टी हो रहा है तो उल्टी के लिए दवा, पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवा। अगर केस बहुत ज़्यादा सीरियस है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, सांस की प्रॉब्लम है, तो ही ऐसे सिचुएशन में आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी। अभी 100% कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन या वैक्सीन मार्केट में नहीं आया है। अब इस बीमारी को आगे फैलने से कैसे रोका जाए?
आपको जैसे मैंने बताया कि इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बहुत आसानी से फैलता है। अगर किसी एक इंसान को ये इन्फेक्शन हो जाए और हमने उसको एक जगह पे आइसोलेट कर दिया तो उस इंसान से आगे नहीं फैलेगा, या खुद हमने अपने आप को ज़्यादातर लोगों से दूर रखा वो इसलिए कि हमें पता नहीं है कितने लोग इन्फेक्टेड है, तो हमने अपने आप को बचा लिया। ये आइसोलेशन और ये दूरियां ही इस इन्फेक्शन को आगे फैलाने से रोकेगा। आगे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। हर बात पे हम लोग अपना हाथ मुंह पे लगाते हैं, नाक को टच करते हैं, ये आदत हमें बंद करना होगा। अपने हाथ को मुंह पे मत लगाइए। खांसी हाथ पे करते थे पहले, अब अपने बाजू पे करिए। ये वो जगह है जहां पे आप आसानी से टच भी नहीं करते हैं और आसानी से बाद में आप अपने कपड़े को भी बदल सकते हैं। आपको अगर सर्दी जुकाम है तो प्लीज मास्क पहनिए ताकि दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले। मास्क गीला होते ही बदल लीजिए। आपको मास्क के बारे में बताता चलूं कि जो जनरल मास्क है उससे 100% सेफ्टी नहीं है, सर्जिकल मास्क या N95 मास्क से काफी हद तक सेफ्टी है, लेकिन N95 मास्क सभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जो हेल्थ केयर के लोग हैं, जो मरीज से बहुत क्लोज रहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है। एक एंटी पॉल्यूशन क्लोथ मास्क है जो यूज़ कर सकते हैं आप, और सुबह से रात तक मास्क लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोगों से दूरियां मेंटेन करना काफ़ी होगा। बाहर किसी भी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क लगाइए। हाइजीन मेंटेन करिए, लगातार हाथ धोते रहिए सैनिटाइजर से या साबुन से हर 3-4 घंटे पे। सैनिटाइजर शायद हर किसी के पास में ना हो, लेकिन साबुन हर जगह पे है। अगर आप बाहर के एरिया से अपने घर के अंदर जाते हैं तो प्लीज अपने सारे कपड़े बदल लीजिए, हाथ और मुंह को बहुत अच्छे से धोइए। भीड़ में जाने से अपने आप को रोकिए, वो शादी की भीड़ हो, राजनीतिक भीड़ हो या कोई धार्मिक भीड़ हो। हाथ मिलाना और गले मिलना अभी बंद करिए। हर इंसान से 2-3 मीटर की दूरियां मेंटेन करिए। ज्यादा अच्छा है कि अपने आप को कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन कर लीजिए। अपने घर की सफाई सूखे झाड़ू से नहीं करिए बल्कि सीधे पोछा लगाइए। वो इसलिए कि अगर एक इन्फेक्टेड इंसान ने खांसी किया तो वायरस 1 से 1.5 मीटर उड़ के नीचे जाता है और वो ज़मीन में लग जाता है। आपने अगर सूखा झाड़ू लगाया तो वो हवा में फिर से उड़ेगा और दूसरे को इन्फेक्शन फैलाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि सीधे आप मॉपिंग करिए, पोछा लगाइए डेटॉल या सेवलॉन के पानी से, और ज़्यादा से ज़्यादा पका हुआ खाना खाइए, गर्म पानी पीजिए। आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं कि 80% लोगों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, तो क्या इस बीमारी को हल्के में लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप में से जो लोग